नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री विद्या चैनल और एनसीईआरटी ऑफिशियल। मैं हूं धर्मेंद्र सिंह। ये जो समय है वो है ऑनलाइन सीरीज मीट दी ऑथर का, और आपको मालूम है कि इस सेशन में हम अलग अलग सेक्टर से अलग अलग टॉपिक्स को लेकर आते हैं। आज क्या खास है, चलिए आपको बताता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर के बारे में, जहाँ पर हम समझेंगे रोल ऑफ असिस्टेंट मैसन, क्या उनकी जिम्मेदारियां हैं, क्या उसका रोल है और कितनी महत्वपूर्ण इन सब की भूमिका है। खासतौर से ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस सेक्टर की आज हम बात करने वाले हैं उसकी महत्वता क्या है, कहां कहां इसकी उपयोगिता हम देखते हैं देश के मुख्य विकास की धारा के मद्देनज़र। इन सब चीज़ों पर भी हम बहुत सारी बात करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रश्न, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये चैनल पीएमई विद्या है, 9 से लेकर 12 तक इस चैनल का लाइव कवरेज जारी है। साथ में ब्रॉडकास्टिंग आप देख सकते हैं एनसीईआरटी ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पर भी। अगर आपके तब भी कोई प्रश्न रह जाते हैं जो आपको ज़रूर पूछने हैं, कोई शंका अगर है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टेलीफोन नंबर पर, देखें अपने टेलीविजन स्क्रीन पर 8800440559। इसके अलावा आप हमें मेल कर सकते हैं, बिकॉज यू आर वॉचिंग दिस सेशन लाइव ऑन चैनल नंबर 9, सो द ऑफिशियल मेल आई डी वुड बी फॉर यू ऑल dth.class9@cit.nic.in। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर सौरव प्रकाश, जो कि प्रोफेसर इन हेड है डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, और जुड़ रहे हैं जो हमसे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन भोपाल मध्य प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर प्रकाश आपका। नमस्कार सर। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ये सेक्टर है आज हम जो बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्शंस के ऊपर। सबसे पहले तो हम ये जाने कि इसके मायने क्या हैं, और उससे भी जो बड़ा प्रश्न है कि आज के इस प्रासंगिक दौर में कि इम्पोर्टेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन सेक्टर क्यों ज़रूरी है। ये तो अगर हम सब जानते कि कंस्ट्रक्शन नहीं है तो फिर जीवन का जो रहन सहन है उतना अच्छे से तो खैर नहीं हो सकता है, इसलिए इसको हम याद करते हैं। और क्या खास बातें इसको अभी समझ लेते हैं। सही कह रहे हैं, आपने बिल्कुल सही कहा कि जैसे कि जीवन की मूलभूत आवश्यकता है रोटी कपड़ा और मकान जी, तो मकान एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हर आदमी को रात में सोने के लिए या रहने के लिए काम करने के लिए एक आवश्यकता है। तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर हमारे देश में या पूरे विश्व में एक बहुत ही मूलभूत सुविधा है, और कंस्ट्रक्शन से की बात पे जब हम बात करते हैं तो आप पाते हैं कि विश्व में भारत एक तीसरा देश है जो सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हमारे देश में हो रही है। और जैसे जैसे हम डेवलप कंट्री के स्टेटस में धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, तो आज जरूरत इस बात की कि ज्यादा से ज्यादा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे रोड डेवलपमेंट हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे स्कूल्स हो, या बड़े बड़े डैम्स हो, चाहे रोड हो, इसके लिए हमें वर्कर्स की जरूरत होती है। और इसके लिए अगर कुशल कारीगर अगर हमारे पास आते हैं, पढ़े लिखे बच्चे आते हैं, तो हम क्वालिटी बहुत ही अच्छे ढंग से इसको कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। जो आज जो जमाना आ रहा है इंटरनेशनल क्वालिटी का, अगर हम क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो आप देखते हैं कि जो पुरानी बिल्डिंगें गिर रही हैं और इस तरह से जो है एक्सीडेंट्स होते हैं, उसके ऊपर भी असर पड़ता है। तो इन्हीं सब बातों को देखकर कंस्ट्रक्शन सेक्टर स्किल काउंसिल बनाया गया है देश में, जो कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में स्किल से रिलेटेड पाठ्यक्रम का निर्माण करता है, उसकी किताबों के लिए बात करता है, ट्रेनिंग देता है। तो इन्हीं को जाकर एनसीईआरटी ने भी, हम लोगों ने जो वोकेशनल कोर्सेस जो अपने देश में चालू किया, तो उसमें भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कोर्स था असिस्टेंट मैसन, जो कि कक्षा 9 से पढ़ाया जा रहा है और ये कक्षा 10 में तक पढ़ाया जाएगा, जिसको नाम असिस्टेंट मैसन के नाम से जॉब रोल है। उसी तरह जब बच्चा 11वीं 12वीं में जाएगा तो जनरल मैसन के नाम से इसका कोर्स लेवल बढ़ता है, क्योंकि धीरे धीरे स्किल का लेवल बढ़ता है और इसके साथ ही साथ ये कोर्स के लिमिटेशन भी बढ़ती है। इन्हीं को ध्यान में रख के ये किताब बनाई गई है, और इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। जैसा कि आपने कहा कि इसकी आवश्यकता क्यों है, आवश्यकता तो है, दिन पर दिन आप देख रहे हैं कि हमारे वातावरण में चेंज हो रहा है, पर्यावरण असंतुलित हो रहा है, तो इस पे ध्यान रखें, हमें ऐसी बिल्डिंग का भी निर्माण करना है जो पर्यावरण को सह सके। तो इसके लिए हम आज बात करने जा रहे हैं अपनी किताब के बारे में, जो कि असिस्टेंट मैसन है, जो कि इसका क्वालिफिकेशन पैक अगर आप देखें तो कंस्ट्रक्शन QU 102 है, और ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के सौजन्य से इसका निर्माण हुआ है। और इन्होंने जो काम होता है कि हम इसकी योग्यता निर्धारण करते हैं कि असिस्टेंट मैसन को क्या क्या काम आना चाहिए, तो उसी को ध्यान में रख के ये किताब बनाई जा रही है और ये पढ़ाई जा रही है बच्चों को स्कूलों में। इसके जो कंटेंट के बारे में हम चलते हैं, सबसे पहले इसको हमने 7 यूनिटों में बांटा हुआ है जो किताब है, और सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन टू बिल्डिंग स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि बिल्डिंग स्ट्रक्चर होता क्या है, कैसे काम करता है, क्या क्या इसमें
सुविधाएं होती हैं, कैसे बच्चों को समझ में आना चाहिए कि क्या क्या कंपोनेंट्स क्या है। उसके बाद यूनिट टू डालनाई गई है। यूनिट टू में बिल्डिंग मटेरियल जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो बिल्डिंग मटेरियल हम जो यूज करते हैं कितने तरह के होते हैं इसके बारे में चर्चा की गई है। जैसे कि स्टोन्स है पहले सेशन में, तो दूसरे सेशन में जो क्ले प्रोडक्ट्स हैं जैसे ब्रिक्स है, टाइल्स है, टेरिकोटा है, उसी तरह के सेशन थ्री सीमेंट और लाइम के बारे में बात की गई है। सेशन फोर जो है फेरस एंड नॉन फोर फेरस मेटल्स के बारे में बात की है। फिर मॉर्टर क्या होता है, उसके कंक्रीट कैसे बनता है, और बिल्डिंग फिनिशिंग मटेरियल क्या होता है। और आप देखेंगे बिल्डिंग के क्षेत्र में इतने ज्यादा रोज नए नए मटेरियल आ रहे हैं, आप चाहे वाटर साउंड प्रूफ की बात करें या इंसुलेशन की बात कीजिए, ग्लास हाउस भी आ रहे हैं, तो एक से एक नई चीजें आ रही हैं। तो इसका भी हमने मिसलेनियस मटेरियल में इसका डाला गया है। उसी तरह आप देखेंगे तो सेकेंड यूनिट है उसमें मेजरमेंट्स, क्योंकि तो आप देखिए कोई भी भवन का निर्माण हो रहा है, आपको ये नहीं मालूम कि आपके कमरे का साइज क्या होना चाहिए, आपकी बिल्डिंग की हाइट क्या होनी चाहिए, तो उसको आपको जानने के लिए जरूरी है कि आपको बिल्डिंग की ड्राइंग पढ़नी चाहिए, आपको उसको रीडिंग्स मालूम होनी चाहिए। तो इसको ध्यान में रख के यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट सिविल वर्क में है उसके बारे में चर्चा की गई है। क्योंकि ये बेसिक चीजें जो दुकान पे जाएगा खरीदने व्यक्ति कहेगा कि मुझे एक बोरी सीमेंट चाहिए या 50 किलो सीमेंट चाहिए या रेता चाहिए, तो उसको मालूम होना चाहिए कि क्या टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है, पेंट का साइज क्या है, लीटर के हिसाब से बेचते हैं कि किलो के हिसाब से बेचते हैं। तो सिविल वर्क्स में जितने भी मेजरमेंट्स हैं इसके बारे में चर्चा की है। और साथ ही साथ जो नेक्स्ट यूनिट है फोर हैंडलिंग ऑफ बेसिक मशीनरी टूल्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए बिना टूल के कोई काम नहीं हो सकता, अपने आप हाथों को खराब नहीं कर सकते, तो टूल्स की जरूरत है, काम का हमारा काम आसानी से हो सकता है। और धीरे धीरे हम ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं तो नई नई मशीनरी भी यूज करते हैं। उसी तरह मार्किंग ऑफ लाइन के बारे में बताया गया है, कैसे आप लेआउट बनाते हैं। साथ ही साथ मेजर जो इसमें कंपोनेंट है बिल्डिंग ड्राइंग, इसका ध्यान रखा गया है। और बेसिक ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन टूल्स ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग बिल्डिंग एंड बिल्डिंग ड्राइंग, तो इस तरह से आप देखेंगे कि इस पूरे असिस्टेंट मेसन का जो हमारा किताब है वो किताब है उसको दो भाग में 9th के लिए अलग बनाया गया और 10th के लिए अलग बनाया। तो धीरे धीरे हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे हायर लेवल पे जाते हैं। तो 7 यूनिट जो है हमारी फाउंडेशन वर्क्स पे है। तो ये इस तरह से आप देखेंगे कि इस पे बताया कैसे हम एक्सकेवेशन करेंगे, कंस्ट्रक्शन स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन करेंगे, इस सब चीजों के बारे में चर्चा की है। अब हम चर्चा करते हैं कि यूनिट वाइज जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर की क्या जरूरत है। जैसा कि शुरू में बताया गया था कि हर हमको अपना घर चाहिए, स्कूल चाहिए, शॉपिंग मॉल चाहिए, पिक्चर हॉल चाहिए, हॉस्टल चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, क्रिकेट स्टेडियम चाहिए, तो ये सब बिल्डिंगें हमें बनानी है, इसकी जरूरत है। और इसकी जिससे हमें जो कि हमें शेल्टर के साथ साथ वेदर से बचाएगा, सिक्योरिटी भी देगा, लिविंग स्पेस भी देगा और प्राइवेसी भी देगा, जिससे कि हम अपनी जो जिंदगी है कंफर्टेबल रूप में कर सके हैं। इसलिए जरूरी है कि हम जो भी स्ट्रक्चर बनाते हैं उसके बारे में हमने बताया है। और जैसा कि चर्चा कर रही थी बिल्डिंग जो है कई शेप्स में आती है, कई साइज में आती है, इसका अलग अलग फंक्शन होता है, तो उसके बारे में भी इसमें बताया गया है। इसमें जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि बिल्डिंग में दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक सुपर स्ट्रक्चर और एक सब स्ट्रक्चर, मतलब जो जमीन के नीचे रहता है उसको एक सुपर स्ट्रक्चर नहीं कहते, उसको सब स्ट्रक्चर कहते हैं। जो जमीन के ऊपर होता है उसे हम सुपर स्ट्रक्चर, ये कॉन्सेप्ट जो है ना इसके बारे में इसमें चर्चा की गई और बताया गया है। ये बेसिक बिल्डिंग स्ट्रक्चर के बारे में बताया जा रहा है, जिससे आप एक घर देखिए, आप इसमें आपको बहुत सी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि फ्लोर किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं, विंडो किसे कहते हैं, ब्रिक वॉल क्या होता है। देखिए बेसिक बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी है। बच्चे जैसे आप से पूछिए कि अगर आप प्लिंथ किसे कहते हैं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन अगर चित्र के मामले से आप बताएंगे कि ये फाउंडेशन का पार्ट है, तब क्योंकि यही टर्मिनोलॉजी जो है आगे कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में काम में यूज हो रही है। ये जरूरी है कि हमें बिल्डिंग स्ट्रक्चर के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में मालूम हो, चाहे फाउंडेशन हो, प्लिंथ हो, रूफ हो, वॉल हो, फ्लोर हो, डोर हो, स्टेयर केस है, आर्चेज और लिंटल, तो इस तरह से सभी चीजें हमें इसमें कोशिश की गई है इसके बताने के लिए।
इसी तरह सबकी चीज पर परिभाषा दी गई। फाउंडेशन कहते हैं, किसे कहते हैं फाउंडेशन, उसे कहते हैं कि जो हमारा पूरी बिल्डिंग का लोड सहन कर सकता है, स्ट्रक्चर का वो लोड ले सकता है, और जो कि मिट्टी में रहता है। और प्लिंथ क्या होता है? एक स्ट्रक्चर होता है जो कि जमीन को छूता है, सुपर स्ट्रक्चर के बीच में रहता है। तो वॉल क्या होता है? वॉल के बारे में बताया गया, फ्लोर के बारे में बताया गया, फ्लोर कितने तरह के होते हैं, रूफ क्या होती है, स्टेयर केस क्या होती है, और आर्चेज और लिंटल्स के बारे में बताया गया। इस तरह से इसमें कोशिश की गई है कि एक एक कंपोनेंट को बच्चों को बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया हो जाएगा तो आगे जो फील्ड में जब जाएंगे बच्चे तो आसानी से उसको समझ सकते हैं। इसका ध्यान रखा गया, जितनी भी टर्मिनोलॉजीज है इसके बारे में इसमें बताया गया है। इसी तरह अब आप देखिए, जब बच्चों को जब बेसिक बिल्डिंग कंपोनेंट्स के मालूम है तो हम फिर बिल्डिंग मटेरियल के ऊपर जाते हैं। ये बहुत बड़ा, बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है। अगर बिल्डिंग मटेरियल को आपको पहचानना आता हो, उसको आपको क्लासिफिकेशन करना आता है, उसकी प्रॉपर्टीज मालूम हो, तो आप कह सकते हैं कि हमें कोई चीट नहीं कर रहा। नहीं तो क्या होता, मार्केट में जब जाएंगे तो आपको दो तरह के प्रोडक्ट्स दिखाते हैं, तो आपको अच्छी क्वालिटी कैसे पहचान पाओगे? अनलेस आपके पास नॉलेज हो, आपके पास एबिलिटी हो। और जैसा कि इसमें मैं बता सकता हूँ कि किसी भी कंस्ट्रक्शन में बिल्डिंग मटेरियल जो है हमारा 60% कॉस्ट होता है। तो ये जरूरी है कि आपको इसके बारे में मालूम होना चाहिए। अब आप देखिए कौन कौन से बिल्डिंग मटेरियल हम लोग यूज कर सकते हैं, यूज हो रहे हैं कह सकते हैं। जो स्टोन्स होता है, स्टोन्स आप देखिए कि पूरे जो हमारे पुरानी बिल्डिंग्स होती थी, राजा महाराजाओं के जो बड़े बड़े महल होते थे, या ताजमहल का आपने सुना होगा, सब पत्थरों से बनाया गया है। और आज भी जो है, जो हम कलाकृति की बात करते हैं, जो शो की बात करते हैं, तो स्टोन्स का ज्यादा प्रयोग होता है, और उसमें जो ब्यूटी आती है। तो अब स्टोन्स के बारे में बताया गया कि स्टोन कितने तरह के होते हैं। उसी तरह क्ले प्रोडक्ट्स की बात हो रही कि जैसे आज जहाँ स्टोन्स नहीं मिल पा रहे हैं, जहाँ पे आपके पास उसके कुशल कारीगर नहीं मिल रहे हैं, और टेक्नोलॉजी धीरे धीरे मॉडर्न हो रही, तो ब्रिक्स है, टाइल्स है, टेरिकोटा हो गया, इन सब चीजों के बारे में बताया गया है। उसी तरह ये सीमेंट आ गया है, जैसे आपको मालूम है बिना सीमेंट के कोई भी पदार्थ हम जोड़ नहीं पाते हैं। लाइम की बात कर रहे हैं कि लाइम का क्या इम्पोर्टेंस है। जैसे पहले आपको मालूम होगा कि घरों में सब जगह लाइम का ज्यादा यूज होता था, वो एज बाइंडिंग मटेरियल यूज होता था, और गर्मियों में हमको बचाता भी था कि हम चूने से पुताई करते थे इनमें छत की, तो उससे हमें सोलर लाइट भी थोड़ी ज्यादा भीतर नहीं आ सकती थी। उसी तरह फेरस मेटल है, नॉन फेरस मेटल है, उसी तरह स्टील है, मॉर्टर एंड कंक्रीट है, तो बिल्डिंग फिनिश मटेरियल है, और काफी मटेरियल इस क्षेत्र में नए नए रोज आप देखेंगे कि वॉल पेपरिंग हो रही है घरों में, आज सुंदरता के लिए वाटर प्रूफिंग हो रही है, इतनी ज्यादा नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो ये बच्चों को जानना बहुत ही जरूरी है। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता रहा था कि स्टोन्स के बारे में से बात, तो स्टोन का क्यों उपयोग करते हैं बच्चों को, इसलिए इसी बताया जाता है कि भाई देखो तुम लोग स्टोन्स के क्या क्या फायदे होते हैं। तो अगर अच्छी बिल्डिंग बन रही है तो उसमें स्टोन कैसे हेल्प करेगा? अपीयरेंस तो होगा ही, जैसे मैंने पहले भी कहा, स्ट्रेंथ आती है, स्ट्रक्चर मजबूत होता है, ये हार्ड हार्ड भी होता हैवी भी होता है, टफ भी होता है, इसकी लाइफ बहुत अच्छी होती है। और इस सीजनिंग मतलब बरसात में भी ये जो है, इसको आप आसानी से इसमें क्रैक्स नहीं पड़ते हैं, और इसमें सीपेज नहीं होता है, और ड्रेसिंग करने में भी आसानी रहती है, पोरोसिटी और एब्जॉर्प्शन भी इसका लिमिटेड रहता है, और ये आग से भी बचाता है, तो ये अवेलेबल है। तो इस तरह से स्टोन्स के बारे में बताया गया कि आपको जैसे मालूम होगा कि हमारे देश में इतनी ज्यादा स्टोन्स की खाने हैं और रॉ मटेरियल अवेलेबल है कि काफी जो मेजर वर्क है स्टोन के थ्रू ही हो रहा है, चाहे कोई भी बिल्डिंग बन रही हो। और ये राजस्थान है, कर्नाटक है, तो 200 से राज्य से, मध्य प्रदेश से भी, राज्यों की खुदाई से भी स्टोन्स निकाले जाते हैं। उसी तरह आपने देखा होगा, ये आप पहचानते भी होंगे कि ये पहले जो बिल्डिंग बनती थी उसमें टेरिकेटा का यूज होता था, अभी ब्रिक्स का सबसे ज्यादा उपयोग हो रहा है, क्योंकि आज इसमें आसानी से इसका उत्पादन कर सकते हैं, और अपने जो स्टैंडर्ड साइज है उसके हिसाब से इसको बना सकते हैं। तो ब्रिक्स के बारे में बताया गया। उसी तरह टाइल्स आज खूबसूरती के लिए घरों में और दीवारों में, बाथरूम में, सब जगह टाइल्स का
उपयोग हो रहा है। और टाइल्स आपने देखा होगा कि पहले जो छोटी छोटी टाइलें आती थी, आप आज करीब दो दो फीट की टाइल स्क्वायर फीट की टाइलें आने लगी हैं, क्योंकि ये बहुत पतले होते हैं और ये क्वालिटी बहुत अच्छी हो रही है। और जो भी फ्लोर को कवर करने के लिए, सरफेस के लिए और बाथरूम में रूफ कवर करने के लिए सब जगह यूज हो रहा है। जिस ये कह सकते हैं कि नई नई चीजें जो है हमारे देश में आ रही हैं, और टाइल्स ने तो इतनी क्रांति ला दी है, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की है इस किताब में। फिर आपने सुना होगा टेरिकोटा, टेरिकोटा का आप जानते होंगे, पहले जो छप्पर छत पे खपड़ैल पड़ती थी, उसमें भी इनोवेशन आ गया, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि टेरिकोटा जो डेकोरेशन पर्पस के लिए, इसको भी हम लोगों ने बताया है इस किताब में कि ऑर्नामेंटल पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग में सजाने के लिए भी टेरिकोटा यूज करते हैं। उसी तरह जो सबसे इम्पोर्टेंट मटेरियल है कि सीमेंट, अगर सीमेंट ना हो तो आज काम पूरा रुक जाएगा। तो सबसे ज्यादा जो बेसिक बाइंडिंग मटेरियल है, आपने भी देखा होगा कि सीमेंट का प्रयोग होता रहता है, और ये इससे इसकी सहायता से मॉर्टर और सीमेंट कंक्रीट भी हम बनाते हैं। तो सीमेंट कह सकते हैं कि कई तरह के होते हैं, एक नेचुरल होता है, एक आर्टिफिशियल होता है। तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लग गई हैं जो कि पत्थरों को ग्राइंड करके उसको ट्रीटमेंट देके उसका जो है सीमेंट बनाती हैं। और जैसा कि मैं पहले बता रहा था कि पुरानी जो बिल्डिंग अभी हमारे देश में है, उन सब में लाइम का उपयोग किया गया है, और उसमें चाहे ताजमहल हो, चाहे टेम्पल हो, ब्रिज हो, मॉन्यूमेंट्स हैं, वो तो सीमेंट की जगह लाइम होता था। तो लाइम जो है एक बाइंडिंग मटेरियल है जो कि सीमेंट की तरह काम करता है। इस तरह से ये पहले से ही चला आ रहा है, और धीरे धीरे जब एडवांसमेंट हो रहा है तो ये टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है और नई नई चीजें आ रही हैं। इसी तरह आप देखिए कि फेरस और नॉन फेरस मेटल भी हमारे देश में है, इसका भी हो रहा है। जो लोहा है, रॉट आयरन है, स्टील है और एल्युमिनियम है, इन सब चीजों का भी प्रयोग जो है हमारे भवन निर्माण में हो रहा है, बिल्डिंग निर्माण में हो रहा है। तो ये बच्चों को मालूम होना चाहिए, और जिससे कि इसमें स्ट्रेंथ आती है, इसका उपयोग क्यों करते हैं। आप घर में सीढ़ी बना रहे हैं तो लोहे की सीढ़ी बनाते हैं, या स्टील की सीढ़ी बनाते हैं, या खिड़कियां बना रहे हैं तो खिड़कियों में भी आप स्ट्रेंथ के लिए कास्ट आयरन या स्टील की खिड़कियां बनाते हैं, लकड़ी की खिड़कियां बनाते हैं। इसी तरह इस मटेरियल को भी दो ग्रुप में बांटा गया है, फॉरेस्ट मेटल और नॉन फॉरेस्ट मेटल। तो इस तरह से आप देखेंगे कि नए नए मेटल्स हैं, नई नई चीजें इसका उपयोग करते हैं। जैसा कि मैं आपसे बता रहा था सीमेंट, सीमेंट को आगे कैसे प्रयोग करते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मॉर्टर। मॉर्टर के बारे में भी इससे बताया गया, अगर मॉर्टर नहीं होगा तो कैसे काम करेंगे। तो मॉर्टर बनाने के लिए एक, ये मॉर्टर बेसिकली एक पेस्ट है, जिसमें हम क्या करते हैं कि स्टोन्स है, ब्रिक है, कंक्रीट, सबको मिला देते हैं, और जहां भी हमको जरूरत होती है उसको हम इस तरह से भरते हैं। उसी तरह कंक्रीट बनाते हैं, जो भी सीमेंटिंग मटेरियल है, जो भी पतला बालू है, सीमेंट है, पानी डाल के हम इसको फिनिशिंग वर्क के लिए या स्ट्रेंथनिंग के लिए या प्लास्टरिंग के लिए इसका उपयोग करते हैं। मॉर्टर जो होता है वो हैवी वर्क के लिए काम करते हैं, जैसे कि बिल्डिंग लोड ले सके। इस तरह से मॉर्टर और कंक्रीट के बारे में भी बात की गई है। और इस तरह आप देखें कि बिल्डिंग मटेरियल एक इतना बड़ा कंपोनेंट है, और जो भी आप फिनिशिंग का काम कर रहे हैं उसमें बिल्डिंग फिनिश मटेरियल का यूज होता है। और जैसा कि बिल्डिंग फिनिशेस जो है, प्लास्टरिंग है, पॉइंटिंग है, वाइट वॉशिंग है, कलर वॉशिंग है, डिस्टेम्परिंग है, वॉल पेपरिंग है, इस तरह से आप कई तरह के, आजकल आपने सुना होगा कलर स्कीम्स भी आ गई है, वार्निश है, पॉलिश है, वॉल टाइलिंग है, वाइटनिंग है, कोल टारिंग है, वुड टारिंग है। तो इस तरह से आपके नए नए बिल्डिंग मटेरियल हमें जरूरत पड़ती है, उसके बारे में हमने चर्चा की है। और चाहे वो प्लास्टिक हो, चाहे वो ग्लास हो, आजकल देखा हुआ आपने ग्लास हाउस चल रहे हैं, हीट इंसुलेटिंग मटेरियल्स हैं, एस्बेस्टस है, आप जैसे लो कॉस्ट की बात कर रहे हैं या कुछ तरह की छोटे घर में, वहाँ एस्बेस्टस शीट की यूज करते हैं, टेम्परेरी स्ट्रक्चर, थर्मोकोल्स हैं, सनग्लासेस भी आ गए आजकल, एब्रेसिव के बारे में बात, एडिसिव जो बड़े इंपॉर्टेंट, आज पत्थर को जोड़ने के लिए हमें एडिसिव की जरूरत पड़ती है, एल्यूमिनियम, रबर, ग्लास वूल, माइका, कोल्टार, फेरोसीमेंट। फेरोसीमेंट भी एक लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी का पार्ट है, जिसमें कि प्री फैब्रिकेटेड
हम दीवार खड़ी कर सकते हैं। तो ये सब चीजें जो है मतलब हमने कोशिश की है इस सेशन में डालने की, और इसमें कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को एक बिल्डिंग मटेरियल के बारे में अवेयरनेस हो जाए, ये बहुत ही जरूरी है। आपने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर बताई डॉक्टर प्रकाश। एक एक चीज़ मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ, आपने नई नई टेक्नोलॉजी की यहाँ पर बात करी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज़ का इन्वॉल्वेशन होता है, वैसे वैसे हम समझते हैं कि काम आपका बहुत कम वक्त में हो रहा है और बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। अब प्रश्न ये उठता है कि जो ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शंस पद्धतियाँ हैं या जिस तरीके से वो पहले काम होता था, क्या उनका वजूद उसी तरीके से है या फिर वो उनके हक से वो रोज़गार छिनकर टेक्नोलॉजी की तरफ चला गया है। मसलन आपको बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी है 25 मंजिला 30 मंजिला, और वहाँ पर आपको कम वक्त में करके देना है, बट वो जो कंस्ट्रक्शन जो मजदूर वहाँ पर आपको अवेलेबल थे अब नहीं है। अब आप टेक्नोलॉजी की आड़ में पैसा भी बचा रहे हैं वक्त भी, लेकिन इन कामगारों का हम यहाँ पर क्या स्कोप देख सकते हैं? ये बिल्कुल सही प्रश्न है आपने उठाया। देखिए हमारे देश में जो रोजगार में जो मजदूर है 90% इलिटरेट है, और ये हमारे गांव से ही आते हैं और धीरे धीरे ये स्किल सीखते हैं और ये अपने को अपग्रेड करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो भी वर्कर्स हैं बाई वर्च्यू ऑफ स्किल्स वो धीरे धीरे बढ़ते हैं, और ये एक इनके साथ क्या है एक सुपरवाइजर होता है जो उनको ट्रेन करता रहता है। और जहां तक आपने कहा कि ट्रेडिशनल की बात जो कही कि वो देखिए गांव में भी आज मॉडर्न जमाना आ गया, धीरे धीरे वो लोग भी चेंजेस ला रहे हैं। पहले देखिए जो गांव में जो मकान बनते थे पत्थरों के बनते थे, अब धीरे धीरे उन्होंने चेंज कर दिया और ईंटों का निर्माण शुरू कर दिया, और पहले जो छत जो बनती थी पत्थरों की बनती थी, अब धीरे धीरे उन्होंने भी छज्जे डालने लगे। तो ये आप कह सकते हैं कि मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, लेकिन वो ट्रेडिशनल तो है ही, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। हमारा देश इतना बड़ा है कि हम ट्रेडिशनल अभी भी देखिए जैसे गोबर का लेप होता है, अभी भी आंगन में जो है वो उससे पूरी जो है आपकी पुताई होती है आंगन की, और वो एक सैनिटेशन पॉइंट भी से वो अच्छा भी है कि एक सफाई रहती है। तो ये ट्रेडिशनल चीजें तो चलेंगी ही, साथ साथ ये देखिए अब आपका जो प्रश्न था कि बड़े शहरों में हम जो है हमें टाइम से चीजें चाहिए और जिससे कि हमारे हमारा लॉस ना हो, तो रिक्वायरमेंट अब जैसे आज आपको मालूम होना चाहिए कि जो हमारी सड़कें अगर बन रही हैं वो 30 किलोमीटर पर डे बन रही हैं। ये टेक्नोलॉजी का भी उपयोग हो रहा है क्योंकि हमारा टारगेट बहुत बड़ा है, तो धीरे धीरे हमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना पड़ेगा और इनको इग्नोर नहीं कर रहे। देखिए आज हमारे पास अभी भी ट्रेन मैन पावर की बहुत शॉर्टेज है, जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं वो धीरे धीरे काम हमारे काम करने से सीखते हैं, और आपको अच्छे वर्कर मिलते नहीं है, ये भी एक प्रॉब्लम है। आपको अच्छा मैकेनिक नहीं मिलेगा, अच्छा मिस्त्री नहीं मिलेगा, अच्छा आपको प्लम्बर नहीं मिलेगा, अच्छा आप हमेशा सोचते रहते कि हमें एक अच्छा टेक्नीशियन चाहिए। तो इन जो वर्कर्स हैं इनको ट्रेनिंग मिलती है, इनको अच्छी अच्छी स्किल सीखते हैं और वो आगे बढ़ते हैं। तो अब आप जैसे कह रहे हैं कि किसान किसानी जो हो रही है कि वहां भी देखिए वर्कर्स नहीं मिल रहे हैं, फार्मर्स लेबर सब माइग्रेट हो रही है, वहां खेती के लिए भी जो है वो मॉडर्न मशीन्स का उपयोग हो रहा है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब कि दोनों ही पद्धतियों का अपना अपना एक महती महत्व है। मान लीजिए आपको खेत में किसी झोपड़ी का निर्माण करना है या 2 कमरे का घर बनाना है, तो वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव नहीं कर सकते या इंक्लूड नहीं कर सकते। और जहाँ पर आपको कम समय में अच्छे रिजल्ट चाहिए और बड़े बड़े काम करने, तो वहाँ पर ऑफकोर्स टेक्नोलॉजी का यूज़ करना होगा। अवसंरचना सुधार की जो हम बात करते हैं, वहाँ पर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स भी हैं, ऑफकोर्स प्राइवेट प्रोजेक्ट्स भी हैं, और जहाँ जहाँ पर समय समय के हिसाब से हम उन चीज़ों को उपभोग में लाते रहते हैं। आपने कुछ एक एम्प्लॉयमेंट्स हमें बताए थे डॉक्टर प्रकाश, तो टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में कुछ और अलग हम टाइप्स देख सकते हैं, किस किस तरीके के और एम्प्लॉयमेंट्स हैं देखिए अंडर द कंस्ट्रक्शन सेक्टर? आप भवन निर्माण का काम करने जा रहे हैं तो आप देखिए इसमें कितने तरह के वर्कर्स काम कर रहे हैं। पहला आप जो एक्सकेवेशन का काम है, एक्सकेवेशन का काम एक अलग आदमी आता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है कि आप इतने बड़े बड़े गड्ढे खोदिए, वो अलग आदमी आएगा। फिर मैसन आएगा जो मैसनरी का काम करेगा, बिल्डिंग निर्माण का काम करेगा। उसी तरह ब्रिक प्रोडक्शन वाला अलग यूनिट आएगा, बार बाइंडर आएगा जो लोहे का काम करता है, आपका फर्नीचर का काम करने के लिए कारपेंटर आएगा, उसी तरह वॉल पेपरिंग के लिए अलग आदमी आएगा, उसी तरह बिल्डिंग प्रोडक्ट्स को सेल्स के लिए डिजाइन करने के लिए एक अलग आदमी आता है जो डिजाइनिंग काम करता है, उसके लिए व्हाइट वॉशिंग के लिए आप देखिए पुताई के लिए भी अलग एक आदमी आता है। तो आप देखिए कि चाहे वाटर प्रूफिंग के लिए देखिए उसके लिए एक अलग आदमी आता है,
तो ये जो धीरे धीरे चीजें है ना, ये स्पेशलाइजेशन है। इसमें अगर मैसन का काम कर रहे हैं तो आपको उसके सेल्स के बारे में, उसकी मार्केटिंग के बारे में भी मालूम होना चाहिए। तो इतने ढेर सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, चाहे आपको उसकी, आप उसमें जैसे क्या होता है कि बिल्डिंग मेंटेनेंस का भी कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है कि बिल्डिंग में कोई अगर डिफेक्ट आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप जाके अपना एस्टिमेट देते हैं, आप उसको जाके बताते हैं कि इसकी ये प्रॉब्लम आ रही है। तो उसके लिए भी आपको एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है कि वो जाते हैं, सर्वे करते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इतना वास्ट एरिया है, इसके आर्किटेक्ट्स होते हैं, इसमें डेकोरेटर्स होते हैं बिल्डिंग के से रिलेटेड। तो ये आप आजकल जो हाईटेक जमाना आ गया कि हमें बिल्डिंग वाट बिल्डिंग साउंड प्रूफ चाहिए, इसकी भी टेक्नोलॉजी आ गई। तो ये हमारे जो कोर्सेज में जो बिल्डिंग मटेरियल्स है, उससे बच्चों को अवेयरनेस होती है कि ग्लास वूल का क्यों उपयोग कर रहे हैं, कैसे साउंड प्रूफिंग के लिए कैसे करते हैं। तो ये भी एक बड़ा स्पेशलाइज एरिया है। और इसमें से सबसे ज्यादा अगर आप हिंदुस्तान की बात करें, 3 करोड़ लोगों को इसमें जॉब मिला हुआ है, आप कंस्ट्रक्शन सेक्टर में आप कह सकते हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में अगर जॉब्स है आईटी सेक्टर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर, और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में कह सकते हैं कि जो हमारे गांव के कारीगर हैं, या जो बिना पढ़े लिखे हैं, जो सेमी स्किल्ड है, सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी उनको मिल रही है। तो आप कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही अच्छा एक एम्प्लॉयमेंट एरिया है, और इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर प्रकाश, एक चीज़ और भी मुझे समझनी है पावर पॉइंट के सहारे। तो खैर, आपने काफ़ी सारी चीज़ें हमें बताई भी हैं। जी हाँ, जी हाँ, आपने अभी अभी मजदूरों के पलायन की बात करी थी, जो माइग्रेशन हमने देखा कोविड-19 के दौरान, कहीं ना कहीं जी अभी भी जारी है और मजदूर जाने को तैयार नहीं। अब खैर, सो कॉल्ड एक और वेरिएंट हम सुन रहे हैं चर्चा में, जी होपफुली हाँ, वो इतना खतरनाक ना हो। तो आपकी नज़र में वो जो वहाँ से लेके यहाँ तक का सफ़र रहा है, टाइम रहा है ओवर द पास्ट ऑफ कपल ऑफ ईयर्स, वो किस तरीके से देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन क्षेत्र को कोविड ने कितनी बुरी तरीके से प्रभावित किया है? जो आशंकाएं पहले से विद्यमान थी, जो आशाएं हम देखते थे एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र के रूप में मैं बात कर रहा हूँ, वो शायद कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। अब नए सिरे से अगर उसको हमें ढरे पर लाना है, तो क्या कुछ वहाँ पर काम किया जाना चाहिए? ये बिल्कुल सही। आपने देखा होगा कि जो आपने प्रश्न उठाया बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न था। और जैसे कि आपने याद होगा कि कोविड के समय पे कुछ वर्कर्स जो थे कुछ स्कूलों में जाकर रख गए, और उन्होंने कहा कि अभी आपको यहीं स्टे, तो उन्होंने कहा कि हमें अपने, कहा कि मैं खाली कैसे बैठ सकता हूँ। वर्कर्स देखो, उन्होंने पूरे स्कूल की पुताई कर दी, और वो जो उनके क्वारंटाइन पीरियड था कि तो आपको 15 दिन रहना है, ऐसे भी वर्कर्स थे। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो यहाँ कहीं अभी रोड बंद है, सड़क बंद है, ट्रेनें बंद है, तो लेट अस डू सम वर्क फॉर दिस स्कूल। वेरी ऐसे नाइस, बहुत से एग्जाम्पल हैं इस तरह से उन वर्कर्स ने वहां पे सोसाइटी के लिए काम किया। ये एक बहुत अच्छी चीज थी, बड़ा उससे बड़ा मोटिवेशन मिला कि ये वर्कर्स तो इसी तरह जो वर्कर्स अपने गांव में हैं, वहां का एक रीडेवलपमेंट प्रोग्राम कर सकते हैं। गांव में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी नहीं है, जैसे कि आज बात हो रही थी कि हर एमपी को दिया गया है प्रोजेक्ट की अपने क्षेत्र का विकास कीजिए, तो क्यों ना हम इस वर्कर्स को यूज करें, और इस तरह से हम इनको इम्प्लॉयमेंट भी देंगे और साथ साथ जो है हमारे निर्माण भी हो सकता है। ये जरूर हुआ है कि जो माइग्रेशन हुआ है, जो वापस कोरोना से अफेक्टेड हुए हैं, तो काम हमारा स्लो हो गया है, लेकिन धीरे धीरे फिर वो आपस में ढर्रे पे आ रहा है। लेकिन अब चौथी वेरिएंट की जो बात हो रही है कि इस तरह से फिर हो सकता है, तो इसमें बड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा और पूरी सुरक्षा के मापदंड इसको फॉलो करना है। जैसा कि आपने सुना होगा कि इस पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, अगर इस कोरोना से बचाना है तो अगर हम वर्कर्स भी हैं और सुरक्षा मानदंड को फॉलो करते हैं, तो उनको हम अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये गांव की जो बात कही मैंने कि अपने क्षेत्र का विकास करें, और गवर्नमेंट इसमें में काफी रूरल एरिया की बात कर रही है कि जो टॉयलेट्स हैं, हर ग्रामीण आवास विकास योजनाएं हैं, ग्रामीण सड़क योजनाएं हैं, ग्रामीण नहरों की बात हो रही है, उसमें इन वर्कर्स का अगर उपयोग करते हैं तो बहुत ही अच्छा
एक उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिल सकते हैं। एब्सोल्युटली, अवसंरचना सुधार की आपने तरफ इशारा किया, और डेफिनेटली अगर इनकी सहभागिता नहीं है तो मैं नहीं समझता हूँ कि बड़े पैमाने पर आप इन सब चीज़ों को कर पाएं, क्योंकि फिर वो एक तादाद ऐसे व्यक्तियों की आपको चाहिए, पढ़े लिखे जो लिटरेट पर्सन है, अगर आप उनको कहें कि आप एक ईंट भी उठाकर रख दे तो मैं नहीं समझता हूँ कि वो पॉसिबल है। तो वो ईश्वर की संरचना कुछ इस तरीके की कि चलिए अगर आप इस क्षेत्र में नहीं है तो एक बहुत सुदृढ़ सी चीज़ आपके हाथ में ज़रूर है जो आप बेहतर कर सकते हैं, जिससे पूरा देश की जो कंस्ट्रक्शन की जो हम बात करते हैं वो टिकी हुई है। डॉक्टर साहब, पावर पॉइंट से हम कुछ देख नहीं पा रहे हैं, थोड़ा सा इसको आप और भी बेहतर करें। अब चूंकि इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रिक टेस्टिंग की हम बात करते हैं, अक्सर ये टर्म सुनने में आता है, तो इस ब्रिक टेस्टिंग को हम कैसे समझें और इसकी क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है? देखिए, इसमें ये बताने की कोशिश की कि जब हम कोई मटेरियल खरीदते हैं तो ब्रिक को जो हम कोशिश करते हैं कि ब्रिक में ए ग्रेड ब्रिक मिले, तो उसके लिए हमें कुछ टेस्टिंग करनी पड़ती है कि उसको पानी में भिगो कर रखते हैं। अगर पानी में भिगो कर रखते हैं तो आप पाएंगे कि वो घुल तो नहीं गई। अगर पानी में मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर रहा है तो आप इतने ब्रिक अच्छा है, या उसकी साउंड उसको बजा के देखते हैं उसमें पर्टिकुलर आवाज आ रही है कि नहीं, रिंगिंग की आवाज आ रही है कि नहीं, अगर ब्रिक को गिराते हैं तो टूटती है कि नहीं टूटती है। तो ये सब तीन चार टेस्टिंग प्रोसीजर्स होते हैं जिससे कि हम कह सकते हैं कि ए ग्रेड ई ब्रिक्स है। नहीं तो क्या होता है कि आप लो क्वालिटी के ब्रिक ले लेंगे, पता लगा कि वो उसमें सब पूरा आप सीमेंटिंग भी करेंगे या उससे वाटर एब्जॉर्प्शन इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो क्रैक पड़ जाएगी। जब क्रैक पड़ जाएगी तो आपकी बिल्डिंग दीवार में सीपेज आने लगेगा। तो इन सब चीजों का जरूरी है कि आप इसको टेस्टिंग करते रहिए, और बिना आपको अच्छी अच्छे जो भवन निर्माण वाले ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे एक इसकी लैब रहती है, जो भी बिल्डिंग मटेरियल का प्रोडक्ट आता है पहले वो टेस्ट करते हैं, और जिससे कि क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करते। अगर आपने इसके बारे में सचेत नहीं है, क्योंकि आप पैसा तो उतना ही दे रहे हैं, चाहे ए ग्रेड का आप पैसा दे रहे हैं लेकिन आपको सप्लाई हो रहा है थर्ड ग्रेड का, तो वहां लैब में सब चेक होता है और पहले टेस्टिंग होने के बाद ही उसको प्रयोग देते हैं, उसको परमिशन मिलती है, अप्रूवल मिलते हैं, ये बहुत ही जरूरी है। तो जितने भी बिल्डिंग प्रोडक्ट्स हैं इसकी टेस्टिंग होनी चाहिए, चाहे सीमेंट हो चाहे आपका ब्रिक्स की बात की। तो इस तरह से छोटे छोटे स्टेप्स हैं, उससे वो पता लगा लेते हैं कि हमें जो मटेरियल मिल रहा है अच्छा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, मेरे ख्याल से आज से आपको कुछ क्लियरिटी होगी कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। बिल्कुल तो अब हम पावर पॉइंट दिख रहा है सर आपको? जी जी अब हम देख पा रहे हैं, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू। तो अब हम बात कर रहे थे कि जो हमने जो फोर्थ यूनिट डाली है उसमें हैंडलिंग ऑफ बेसिक मशीनरी टूल्स, देखिए टूल्स का बड़ा इम्पोर्टेंट है टूल है, और हर जो वर्कर्स है, जो भी मेसन हो चाहे आपका इलेक्ट्रिशियन हो चाहे वो आपका कारपेंटर हो चाहे बार बाइंडर हो, उसको टूल्स पकड़ना आना चाहिए, उसका प्रयोग करना आना चाहिए। कैसे स्पिरिट लेवल को हम यूज करेंगे कैसे, अब देखिए अगर बिल्डिंग में हमारी अनइवन हो जाती है, स्लोप ज्यादा हो जाता है तो आपका कोई सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा, तो स्पिरिट लेवल का जरूरत, प्लम रूल और बॉब की जरूरत पड़ती है कि आप वर्टिकल अलाइनमेंट, दीवार बन रही कि टेढ़ी तो नहीं बन गई है, तो इसको सब कुछ चेक करते रहते हैं। इसी तरह ट्रॉवल का उपयोग करते हैं, इसके सहायता से आसानी से जो है आप बिल्डिंग को जो है आप मसाला बना सकते हैं, मिक्सचर बना सकते हैं, आप जो भी आपको लेइंग का काम है उसका उपयोग ट्रॉवल के थ्रू करते हैं, उसी तरह स्क्वायर का यूज करते हैं। ये बहुत ही जरूरी चीजें हैं और इसकी सहायता से आप देख सकते हैं कि वो हमारा परफेक्शन है। और इसी तरह लाइन्स और पिन्स है, चीजल्स है, कैसे चीजल का उपयोग करके आपको जगह बनानी है, कैसे आपको टाइल फिक्स करनी है, कैसे आपको छेद करने हैं, इस तरह से आप देखेंगे कितने टाइप्स के जो मशीनरी टूल्स हैं उसको हमको पहचानना आना चाहिए, इसका यूज करना आना चाहिए और देखना चाहिए कि हम कैसे सही टूल का उपयोग करें। जैसे अगर हैमर की जरूरत है तो हम ये नहीं कि हम पिकैक्स से काम कर लें, कुदाली से काम करनी, जिस चीज के लिए जो टूल्स बना हुआ है उसी का प्रयोग करना है। तो जैसे हैवी वर्क है तो मैश हैमर के लिए काम करेंगे, अगर आपको थोड़ी सी नोचना है या थोड़ा सा आपको छोटे छोटे पीस में आपको काम करना है तो स्क्रैबल हैमर है, उसी तरह बेवल का यूज कर सकते हैं। स्पेड का काम बहुत अच्छा है, तो आपको मटेरियल मिक्सिंग में और उठाने काम में आता है। हैकिंग टूल का यूज करते हैं, पिकएक्स है, क्रोबार है, वुडन फ्लोट है। वुडन फ्लोट का उपयोग जैसे जो आपका कंक्रीट पिक्चर है जो उसको हमें यूनिफॉर्मिटी लानी है उसमें हम ज्यादा प्रयोग कर सकते हैं।
इसी तरह जितने भी टूल्स हैं इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको बच्चों को समझ में आने लगेगा। और आज जो भी घर में देखिए छोटे मोटे काम बच्चे कर लेते हैं या आप करते होंगे, तो अगर आपके पास ये ट्रॉवल है तो आप आसानी से सीमेंट और बालू मिक्स करके आप छोटा सा क्रैक भर सकते हैं अपने घर में। तो ट्रॉवल तो बहुत जरूरी, इसको हम लोग कन्नी बोलते हैं, जैसे हिंदी में जो लेबर की भाषा होती है कन्नी का उपयोग करते हैं। तो इस तरह से सभी टूल्स के बारे में बताया गया है, और इसके साथ साथ जो भी छोटी छोटी मशीनें होती हैं, जो भी आजकल क्या होगा ऑटोमेशन आ गया है, तो कटिंग के लिए कटर आ गए हैं जो कि टाइम भी बचाते हैं, छोटे छोटे ग्राइंडर आ गए हैं उसका भी प्रयोग करते हैं, छोटे मिक्सिंग यूनिट्स आ गई हैं, तो उसके बारे में भी चर्चा की जाती है। तो ये सब चीजें इसमें बताई गई हैं। उसी तरह ये अवेयरनेस होने के बाद जब बच्चा जो है काम करना शुरू करता है, तो सबसे पहले उसको ये मालूम होना चाहिए कि जो भी क्षेत्र में वो काम करने जा रहा है, जो भी मेसन काम कर रहा है, जो टेक्नीशियन काम कर रहा है, सबसे पहले साइट की जो है क्लीनिंग होती है उसके बारे में बताया कैसे आपको क्लीनिंग करनी, और उसके बाद उसमें कैसे आप मैप की सहायता से आपको उसमें मार्किंग करनी है। तो मार्किंग करना बहुत ही जरूरी है, जैसे आपका प्लॉट साइज जो है 20 फीट बाई 40 फीट है, तो आपने जब आप मार्किंग करने गए लाइन करने, तो आपने पता लगा कि आप 18 कर दिया या 22 कर दिया, तो उससे क्या होता है कि पूरा सिस्टम फेल हो जाता है। तो ये प्रोसीजर इनको बताना जरूरी होता है। तब आप उसके टूल्स के बारे में बताते हैं कि कैसे हम कौन से मटेरियल थ्रेड का यूज करेंगे, लाइन डोरी है या आयरन पॉट है, वुडन स्टील पैक्स है, हैमर के बारे में बात करेंगे, स्पेड है, ट्रॉवल है, जितने भी टूल्स इस प्रोसेस में यूज होते हैं उसके बारे में बताया जाता है। फिर इसमें जो रॉ मटेरियल है, चूने का उपयोग करते हैं, ब्रिक्स का उपयोग करते हैं, सीमेंट है, सैंड है। इस तरह से आप देखेंगे कि जो मार्किंग ऑफ लाइन के बारे में एक पूरा हमने यूनिट डाला हुआ है, तो उससे बिल्कुल क्लियरिटी होती है कि बच्चों को मालूम रहेगा कि बिल्डिंग जो बन रही है फर्स्ट फ्लोर पे या ग्राउंड फ्लोर पे क्या शेप लेगी और कैसे कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से वो चीजें उनमें समझ में आ जाती है। तो ये मार्किंग ऑफ लाइन के बारे में बात की है। साथ ही साथ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है कि बिल्डिंग ड्राइंग्स, जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारी बिल्डिंग ईस्ट वेस्ट हो। ईस्ट में क्यों करते हैं, क्योंकि ज्यादा ज्यादा रोशनी आती है और हवादार होता है, तो आपको घर की बिजली की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बिल्डिंग ड्राइंग की सहायता से हम पूरा एक मैसेज दे सकते हैं कि यहाँ पे हमारा कौन सा कमरा रहेगा, या ड्राइंग रूम रहेगा, या बच्चों का स्टडी रूम रहेगा, और कैसे हम सेफ रहेंगे, तो एनवायरमेंट में किस तरह से फायदा होगा। तो ये इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है के बारे में से बच्चों को बताया गया है, और ड्राइंग जो है हमारे इंजीनियर या ड्राफ्ट्समैन अच्छे ढंग से बनाते हैं, उनको आइडियाज होते हैं कि किस पर्पस के लिए हम ड्राइंग बना रहे हैं। तो ये ड्राइंग के बारे में बच्चों को पढ़ाते हैं, जिससे कि कोई भी बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं उसके पहले ये बिल्डिंग का ड्राइंग मालूम होनी चाहिए। फिर डिटेल डिजाइनिंग करते हैं हर कंपोनेंट्स की कागज पे, फिर धीरे धीरे हम ड्राइंग की सहायता से हम बिल्डिंग ड्राइंग का उपयोग करते हैं। तो बिल्डिंग डायग्राम के बारे में जो चीजें हम लोगों ने कोशिश की है बताने की कि इसमें कौन कौन से टूल्स होते हैं, क्या क्या उसमें इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो जैसा कि आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो हमारे जो ड्राफ्ट्समैन होते हैं या जो ड्राइंग बनाते हैं, वो ड्राइंग बोर्ड, स्टैंड, टी स्क्वायर, मिनी ड्राफ्टर, सेट स्क्वायर, प्रोटेक्टर, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, फ्रेंच कर्व, पेंसिल, इरेजर, इरेजिंग शील्ड, ब्लेड, पॉकेट नाइफ, नाइफ और पेंसिल शार्पनर, इस तरह से बहुत सी चीजें जो है इसका उपयोग करते हैं। इन्हीं सब चीजों के बारे में हम लोग इसमें चर्चा करते हैं। तो आप देखेंगे कि आप इस कहेंगे कि और क्या क्या चीज हो सकती है, तो ड्राइंग पिंस हो सकती है, एडिसिव टेप्स है, ड्राइंग पेपर है, ड्राइंग शीट है, ट्रेसिंग पेपर है, डस्टर और डस्टिंग ब्रश है, सैंड पेपर है, स्केल्स क्या क्या है, और स्केच बुक। ये देखिए आपने देखिए इसमें एक इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में सभी चीजें जो ड्राइंग से रिलेटेड आइटम्स है उसको बनाने के लिए, चाहे प्रोटेक्टर हो, चाहे उसमें नाइफ हो, चाहे उसमें बेवल स्क्वायर हो, सभी चीजें रहती हैं। तो जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज करते हैं वो काफी बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, तो टेम्पलेट भी चाहिए, लार्ज साइज डिवाइडर भी चाहिए, छोटे वो कंपास भी चाहिए,
तो लेंथनिंग बार भी चाहिए, पिन पॉइंट, इस तरह सभी चीजों के बारे में हम लोग इसकी चर्चा करते हैं और बताते हैं कि ड्राइंग बनाते समय आपको किस किस चीजों का उपयोग करना है, रोलिंग पेन का कैसे यूज करना है, होल्डर का कैसे यूज करना है। तो ये सब चीजें ड्राइंग बनाने में यूज होती हैं। तो आप देखिए कि ये जो आपके चित्र में दिख रहा है कि ये हमारे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इसमें आप देख रहे हैं सेट स्क्वायर्स है, स्केल है, प्रोटेक्टर है, कर्व्स है, फ्रेंच कर्व्स, इसका भी उपयोग करते हैं कि ड्राइंग में डिजाइनिंग करते हैं। टेम्पलेट बना हुआ है, इसकी सहायता से हम जो भी इंडिकेशन देना चाहते हैं कि यहाँ पे स्क्वायर शेप रहेगा, यहाँ पे राउंड या रेक्टेंगल शेप जाएगा, या इसमें इलेप्टिकल शेप होगा, इस तरह से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और इसमें मिनी ड्राफ्टर के बारे में बात कही गई कि मिनी ड्राफ्टर जो है इसके उपयोग से आप ड्राइंग बनाते हैं और आप पाते हैं कि हम अच्छे ढंग से चर्चा कर सकते हैं। उसी तरह टी स्क्वायर्स है, तो ये पूरा जो बच्चे जो है इसको प्रयोग करते हैं, इसको ड्राइंग बनाते हैं, तो इन सब इंस्ट्रूमेंट्स जो है हमारे काफी काम आते हैं। तो इनका सही ढंग से पकड़ना, सही ढंग से प्रयोग करना, सही ढंग से इसको आगे रखना, इस सब चीजों के बारे में इंस्ट्रूमेंट ड्राइंग बनाने में काम आते हैं। उसके बाद जो भी कंस्ट्रक्शन होता है उसके बारे में बताते हैं, कैसे आपको लाइन कट करनी, कैसे एंगल कट करना है, 60 डिग्री का एंगल कैसे बनाना है, 45 डिग्री का, 90 डिग्री का, 30 डिग्री का, इस तरह से आप देखेंगे कि काफी चीजें बेसिक जो है ज्योमेट्रिकल ड्राइंग्स में इंस्ट्रूमेंट से बताया गया है, जिससे बच्चों को बहुत फायदा हो। उसी तरह परपेंडिकुलर कैसे बनाना है, या कोई भी लाइन को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, या पैरेलल लाइन कैसे बनानी है, तो ये कंस्ट्रक्शन जो है ये ड्राइंग के थ्रू सीख सकते हैं। बिल्डिंग ड्राइंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जैसा कि आपको बताया कि टूल्स जो इसके जो है, स्केल्स हैं, प्रोजेक्शन है, टाइटल ब्लॉक बनानी है, डायमेंशन ऑफ ड्राइंग शीट बना मालूम होना चाहिए, लाइन कितने तरह की होती है, क्योंकि आपने देखा होगा कुछ मोटी लाइन होती है, कुछ पतली लाइन होती है, कुछ डॉटेड लाइन होती है, हर लाइन का अपना एक मीनिंग होती है। तो उसके बारे में बताया गया है कि स्पेसिंग ऑफ व्यू क्या होना चाहिए, ड्राइंग शीट लेआउट क्या होना चाहिए। इस तरह से आप देखेंगे कि पूरे टूल्स जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में आप है तो बताएगा, तो आप कह सकते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या हुई, इतनी ड्राइंग जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल ऑब्जेक्ट, जो आप घर देख रहे हैं उसको ड्राइंग के माध्यम से हम एक कल्पना कर सकते हैं। और आज तो कंप्यूटर का जमाना आ गया है, तो सॉफ्टवेयर आ गया है, कैड सॉफ्टवेयर आ गया, ऑटो कैड आ गया है, तो उससे बच्चे बच्चे जो भी हमारे आर्टिस्ट हैं, जो भी हमारे ग्राफिक डिजाइनर हैं, जो भी हमारे ड्राफ्ट्समैन है, आजकल कंप्यूटर का उपयोग भी करने लगे हैं, और उससे भी वो एक इमेजिनेशन दे सकते हैं। ये भी आप कह सकते हैं कि ड्राइंग के क्षेत्र में भी नए चेंजेस आ रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही, तो आज पूरे अपने घर की कल्पना आप सॉफ्टवेयर की सहायता से कर सकते हैं। आपको कौन सा कलर चाहिए, बैकग्राउंड में क्या बैकग्राउंड कलर चाहिए, तो ये नया डेवलपमेंट है। आज पूरे जो है टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, ड्राइंग को रिप्लेस कर रही है। लेकिन ये ड्राइंग बेसिक इसलिए जरूरी है कि बच्चों को बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो इसको तो यूज करना ना चाहिए। आप धीरे धीरे, जैसा कि आपने खुद देखा होगा कि मोबाइल पे फटाक से ड्राइंग बना लेते हैं बच्चे, और उसमें यूज कर लेते हैं, प्लान बना लेते हैं, एलिवेशन क्या होता है, तो इस सॉफ्टवेयर का बहुत बड़ा उपयोग आजकल इंजीनियरिंग में हो रहा है, और पूरा इसको कॉमर्शियल, जैसे आप मकान खरीदने जाते हैं, तो आप उसको चाहते हैं कि हमारा रूम ऐसे साइज का होना चाहिए, या इसमें बैकग्राउंड ये कलर होना चाहिए, हवा आनी चाहिए, डायरेक्शन ये चाहिए, तो सॉफ्टवेयर जो ड्राइंग का सॉफ्टवेयर है उसकी सहायता से पूरी एक आपको एक एक्सपोजर दे दिया जाता है, एक अच्छी फीलिंग आपके ऊपर डेवलप होती है। अच्छा है तो बहुत अच्छा लग रहा है, तो ये भी एक नए सॉफ्टवेयर आ गए, नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई, और ये कह सकते हैं कि ये तभी आप समझ पाएंगे जब आपको बेसिक ड्राइंग आती है। ये बहुत ही जरूरी है कि आप इसका अवेयरनेस होना चाहिए। डॉक्टर प्रकाश, आपने नई टेक्नोलॉजी और नए नए सॉफ्टवेयर्स की बात करी यहाँ पे, तो बदलते हुए परिदृश्य में आप किस तरीके से एक नई टेक्नोलॉजी का रूप ये देखते हैं, कितना ये मददगार है, कितना कारगर है, और अभी तो हम 21वीं सेंचुरी में 2022 में जल्दी ही हम पदार्पण करने वाले हैं, आगे आगामी 5 वर्षों में आप कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का रोल किस तरीके से देखते हैं? देखिए कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में जो अभी कॉन्सेप्ट आ रहा है कि लो कॉस्ट, कैसे हम भवन का
उसके लिए कौन कौन से मटेरियल हमें यूज करने हैं कि आज जो है, अब आपको मैं एक एग्जाम्पल बताऊं, ऐसी ऐसी कंपनियां आ गई हैं जो प्री फैब्रिकेटेड दीवाले हैं, छत है, रूफ है, सब बना के फैक्ट्री से ले जाके एक स्टेडियम में ले जाते हैं, एक स्टेडियम का निर्माण कर लेते हैं, और उसमें उतनी हल्की होती हैं कि वो आसानी से जो है वो असेंबल कर सकते हैं। उनको बोला जाता है कि हमें 15 दिन के भीतर ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग चाहिए, तो कंपनी जो है एक मास प्रोडक्शन करती है, जैसे रेडीमेड्स दीवालें, रेडीमेड्स ब्रिक्स, रेडीमेड्स फ्लोर, रेडीमेड्स रूफ, और जाके वहाँ असेंबल कर देती हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि इसका उपयोग तो हो ही रहा है। और जैसे कि आपको कहा कि आज इंसुलेशन की बात हो रही है, कूलिंग की बात हो रही है, आप ज्यादा टेम्परेचर ना हो, गर्म हो, तो आप जैसे एक स्मार्ट रूम की बात करते हैं कि आप जो आज जो जरूरत है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, हमें ऐसी बिल्डिंग चाहिए कि कम से कम हमको एसी का यूज करना पड़े, कम से कम हमें लाइट्स का उपयोग करना पड़े, तो क्या होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, तभी हमारे जो बिल्डिंग एनवायरनमेंट सेफ रहेगा। तो हाँ, इस तरह की बिल्डिंग्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है कि आप जैसे बिल्डिंग में घुसे, देखा है इतना कूलिंग इफेक्ट मिल रहा है गर्मियों में, आप देख रहे ना पंखा चल रहा है ना एसी चल रहा है, क्योंकि तो उन्होंने डिजाइन इस तरह से की, इस तरह से एनवायरमेंट को बचा के रखा है। तो आज इसकी जरूरत है। और नई बिल्डिंग्स में भी आप जो नई बिल्डिंग को कहते हैं कि हमें जो सोलर लाइट्स आ रही है, उस सोलर लाइट मेरी हर बिल्डिंग की हर कमरे में आनी चाहिए, ये नहीं कि कुछ पर्टिकुलर पोर्शन में, उस लाइट्स को डाइवर्ट कर दिया तो आपने पावर भी सेव कर लिया। इस तरह से नए नए इनोवेशंस और जो स्मार्ट बिल्डिंग की कॉन्सेप्ट आया है कि हमें स्मार्ट होना चाहिए, कि आपको कॉस्ट भी बचानी है, सेविंग भी, पावर सेविंग भी करनी है, बिजली भी बचानी है, और कंफर्टेबल भी देना है, वेंटिलेशन भी देना है, इन सभी को ध्यान में रख के स्मार्ट बिल्डिंग की बात हो रही है। और आप देखेंगे कि ये कंपलसरी कंपोनेंट है, जैसे कि आज बिल्डिंग्स में हो गया कि सबको अपना सोलर पावर लाइट्स होनी चाहिए, सोलर वाटर हीटर होना चाहिए, क्यों हम गीजर यूज करें, क्यों नहीं हम एनवायरमेंट में जो चीजें हैं उसको उपयोग करें, तो ये स्मार्ट कॉन्सेप्ट में क्यों नहीं रूफ वाटर हार्वेस्टिंग करें, तो बिल्डिंग का जो पानी जो वेस्ट है उसको भी तो फिर रीयूज करना है, पानी तो है ही नहीं हमारे पास, निश्चित कम होता जा रहा है। 6 मिनट का समय डॉक्टर प्रकाश, अभी भी हमारे पास बाकी एक दो इश्यूज पर और भी मैं बात करना चाहता हूँ। यस डेफिनेटली, बदलते हुए परिदृश्य में कहते हैं कि वो परिवर्तन स्वाभाविक से होते हैं, कहीं ना कहीं उनको मानना स्वीकारना मजबूरी भी बन जाती है और आवश्यकता भी, जिस वे में आप लें, लेकिन यस पर्यावरण को सुदृढ़ रखना ये हमारा नैतिक कर्तव्य है, इसका हमें ख्याल अवश्य रखना चाहिए। पॉसिबल चैलेंजेस की बात कर लेते हैं, स्टिल आपने काफ़ी सारी मुद्दों पर यहाँ पर बात करी, बहुत सारे आयाम हमने छूकर देखे टटोले, अभी भी आपको लगता है कि कुछ चैलेंजेस अभी भी हैं इस सेक्टर में जिन पर काम करने की आवश्यकता है, अगर आपने वो ऑब्जर्व किए हैं तो कहाँ उनको हम एक बार देखने की कोशिश करें? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, चैलेंजेस तो काफी इम्पोर्टेंट है। देखिए हम चाहते हैं कि हमारा काम जो है टाइम से हो जाए। क्या होता है हमारे पास टाइम का, कंस्ट्रक्शन का काम तो शुरू कर देते हैं लेकिन कुछ समय बाद हमारे वर्कर्स भाग जाते हैं, चले गए गांव चले गए, 1 महीने बाद आता आपका काम हेल्ड अप हो जाता है, तो ये एडवांस पेमेंट ले लेते हैं आपसे और गायब हो जाते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है कि आपको उनको रिटेन करना है, उनके साथ अच्छा एक एग्रीमेंट होना चाहिए कि आपका काम टाइम से नहीं। क्या होता है कि हमारे बिल्डर्स जो हैं या कंस्ट्रक्टर्स जो हैं, आप प्रोजेक्ट ले लेते हैं कि आपको 6 महीने में प्रोजेक्ट दे देंगे, आपने सुना होगा, और साल साल भर डिले हो जाता है। सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमारा टाइमली कंप्लीशन ऑफ वर्क नहीं होता है, ये बहुत बड़ा, जो एक्चुअली जो हमें सिस्टमेटिक वे से करना चाहिए था कि हमें 3 महीने मकान बन जाए या 4 महीने मकान जो बनता है साल भर में, तो सबसे बड़ा चैलेंज ये हो गया। दूसरा टाइमली अवेलेबल ऑफ रॉ मटेरियल्स है, रॉ मटेरियल्स भी प्रॉब्लम आती है कभी कभी कि हम जो बिल्डिंग्स बनाने जा रहे हैं वही सैंड नहीं मिल रही है, पता लगा गवर्नमेंट ने बैन लगाया हुआ है, या बहुत ज्यादा हाई रेट्स हो जाते हैं, जब कॉस्टली हो जाती है तो जो हमारा वर्कर है या जो भी बिल्डिंग का जो ओनर है वो थोड़ा स्लो हो जाता है, तो बहुत कॉस्टली है, वेट करते हैं, ये भी एक कॉस्टली फैक्ट्री है। और तीसरा चैलेंज ये है कि जो मैंने आपसे कहा था इन्वायरमेंट वाला, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लो कॉस्ट में हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, पर्यावरण से ध्यान रखना है, और हमें ऐसे घर का निर्माण करना है कि जिसमें हैवी मटेरियल ना लगे रहे, तो हमें इफेक्टिव ढंग से काम करने के लिए जरूरी है कि जो टेक्नोलॉजीज डेवलप हो गई है, जो आपने मैंने जैसे बताया था कि प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स बन गए, जो आपके जो बिल्डिंग मटेरियल सस्ते हैं उनका उपयोग करेंगे तो आपका कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी होगा, नहीं तो आप अननेसेसरी जो है
कोई भी काम जो है अगर 10 रुपए में हो रहा है उसको 100 रुपए दे रहे हैं, तो इसमें भी सेविंग होनी चाहिए। तो ये जरूरी है कि आप जो नई ट्रेंड आ रही, नई बिल्डिंग्स आ रही है, जैसे आपने सुना होगा कि जैसे आप कमरे में घुसते हैं तो लाइट जलने लगती है, तो ये सेंसर्स लगे हुए हैं कि आप कमरे से बाहर गए और लाइट बंद हो गई, ये आपका पावर सेविंग। इन तरह की इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का अगर यूज करते हैं, प्रमोट करते हैं, तो आप पाएंगे कि जो यूजर है बड़ा कंफर्टेबल हो जाता है, जो हमारे हाउस ओनर है, कंस्ट्रक्शन वाले। तो हमें नई अडॉप्टिव टेक्नोलॉजीज को लेना चाहिए, जिससे कि कोशिश ये होना चाहिए कि हमें कंफर्ट मिले और सेविंग भी हो। एनर्जी का जो आज जो बात हो रही कि एनर्जी को बचाना है और हमें अपने सिस्टम में रिसाइकिल को करना है। जैसे आपको मालूम होना चाहिए कि मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। एक पुणे में एक बिल्डिंग में गया, कंस्ट्रक्शन हो रहा था, तो वहां पे जो उन्होंने एक टेक्नोलॉजी लगाई थी कि जो सीवेज वाटर आ रहा है उसको ट्रीट करके वो ड्रिंकिंग वाटर बना रहे हैं। उसने खुद पी के दिखाया मुझे, जर्मन इंजीनियर था, तो उसने उसको वेस्ट नहीं होने दिया, क्योंकि पानी वहां 80 किलोमीटर दूर से आ रहा था। उसने कहा जो हमारे पास एग्जिस्टिंग फैसिलिटी, उसको हमें रिसाइकिल करनी, रीयूज करना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये एब्सोल्युटली, सब चीजों का आपने एक अगर बहुत अच्छी बात बताई कि जहाँ पर पानी की बहुत किल्लत है वहाँ एक एक बूंद का अपना एक महत्व है, किस तरीके से उसको बचाना चाहिए। जो एक उदाहरण आपने अभी हमें पेश किया पुणे के संदर्भ में, समय हमारे पास कम है डॉक्टर प्रकाश, एक और भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूँ जो एक इशू के रूप में भी हम देख रहे हैं। मान लीजिए कि जो एडोलेसेंट्स हैं या जो नए शिक्षक वर्ग से अब हमें कमासू बनना है, अपने परिवार को चलाना है, खुद का करियर भी अगर हमें स्टैंड करना है, तो फ्यूचर करियर वोकेशनल एजुकेशन के मद्देनज़र वो क्या हो सकता है? और अगर मुझे वो इनिशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानकारी चाहिए, फ्रॉम एक्चुअली वर आई शुड स्टार्ट फ्रॉम, तो वो हम किस तरीके से समझें? बिल्कुल सही, अच्छा प्रश्न आपने पूछा। देखिए, हर बच्चे की और पेरेंट्स की इच्छा होती है कि हमारा बच्चा आगे पढ़े, तो ये असिस्टेंट मेडिसिन का जो पाठ्यक्रम कर लेता है बच्चा, तो 11वीं 12वीं में वो जनरल मेडिसिन का कोर्स कर लेगा। अब उसके आगे करना चाहे तो हमारे देश में एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम चालू हुआ, जिसे हम बैचलर इन वोकेशनल एजुकेशन कहते हैं। उस बैचलर इन वोकेशनल एजुकेशन जो है हमारे पूरे देश में चलाया जा रहा है, और इसमें बच्चे हायर लेवल का कोर्स कर लेते हैं, और इसमें बच्चे जब उसमें ग्रेजुएशन का उनके पास रिक्वायरमेंट डिग्री मिलती है, या फिर वो पॉलिटेक्निक में भी जा सकते हैं, वहां पे सिविल इंजीनियरिंग का जो पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है उसमें भी बच्चे जा सकते हैं। और आजकल स्पेशल कोर्स चल रहे हैं, उसकी सहायता से भी बच्चे आगे कोर्सेज में, जैसे एनिमेशन का कोर्स है, ड्राइंग का कोर्स है, ऑटो कैड का कोर्स है, सॉफ्टवेयर जो सिविल सॉफ्टवेयर है इसके बारे में भी बच्चे को सीख सकते हैं। तो इस तरह से पाएंगे कि वर्टिकल मोबिलिटी कोई इशू नहीं है, और बच्चे आगे पढ़ना चाहें तो साथ साथ, मैं तो कहूंगा कि काम के साथ साथ वो पढ़ाई करें तो उनको ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि वो प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं और साथ साथ अपनी अर्निंग भी कर रहे हैं और साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं, क्योंकि आज बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसमें एक चीज़ मैं चाहूँगा कि आप जल्दी से जोड़ दें, समय हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है, आधा मिनट का समय है, इसमें क्या खास मैसेज आप देना चाहेंगे? यस, आप उसकी तरफ इशारा कर रहे थे, इसको थोड़ा सा और ब्रीफ कर दीजिए। इसमें बोलना चाहिए कि देखिए, कोई काम छोटा नहीं होता है, अगर बच्चे अपने हाथ से काम करते हैं, हाथ से थोड़ा हाथ गंदा करते हैं तो इसका स्किल बढ़ेगी, और इससे क्या बच्चों में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और बच्चा कोई भी काम आसानी से करने में डरेगा नहीं। और आज आपको मालूम नहीं जो स्किल वर्कर्स की इतनी डिमांड है, आपको 1000 रुपये पर डे का तो एक मिस्त्री मिलता है, अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट मिस्त्री हो गया तो 2000 ले लेता है, क्योंकि तो इस तरह की स्किल की आज रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है। और अच्छे स्किल वर्कर्स जो मैंने देखा केरला में बंगाल से जाते हैं, प्लम्बर्स जो है उड़ीसा से दिल्ली आते हैं, क्यों आते हैं? क्योंकि तो वहां पे इस तरह के वर्कर्स नहीं है। तो स्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, और जो बच्चे अपने हाथ से काम करेंगे, जो भी वर्कर्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, और धीरे धीरे जो है वो पैसे भी कमाने लगेंगे, क्योंकि स्किल्ड वर्कर्स की चाहे आप बहुत ही जरूरत है। तो इस तरह से जो पाठ्यक्रम है इसका फायदा उठाएंगे। बिल्कुल डॉक्टर प्रकाश, आपने स्किल को यहाँ पर जोड़कर मैं समझता हूँ कि सारे सवालों का जवाब दे दिया एक छोटी सी बात में ही। आपने जिक्र किया कि उड़ीसा से या दक्षिण भारत से जो कारीगर यहाँ पर आ रहे हैं, आखिर क्या उनकी ज़रूरत है, क्यों मिलाएं? उत्तर भारत में क्या कारीगर की कमी नहीं है, या फिर वो उतने सक्षम नहीं है? उसका एक रीज़न ये कि आपके हाथ में कौशल कितना है, वो हुनर जी कैसा हाँ है, और आज के बदलते हुए परिदृश्य में आप ये सारी चीज़ें चाह रहे हैं। आप पुराने इतिहास में आप चले जाएं, नक्काशी देखिए कितनी कमाल की थी, रचनात्मक चीज़ें कितनी कमाल की थी, पत्थरों पर वो एक एक चीज़ को जो छान कर रखते थे, तो क्या था वो कहीं ना कहीं कौशल का ही
एक उदाहरण था जो इतिहास से हम अब तक देखते चले आ रहे हैं। उस कौशल को ही आपको आगे बढ़ाना है, फिर फर्क नहीं पड़ता कि कोविड-19 का दृश्य कैसा था, परिदृश्य कैसा था, आगे और भी ऐसे चैलेंजेस आ सकते हैं, कि कम से कम ये कौशल नाम का हथियार जो आपके पास है, इससे आप कभी भी पीछे की तरफ नहीं जा सकते, ना फिर जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रकाश, आपने इतनी मोटिवेशनल चीज़ हमारे दर्शकों को बताई, खासतौर से इस कंस्ट्रक्शन सेक्टर में असिस्टेंट मेसन्स के क्या रोल हो सकते हैं, क्या उसकी उपयोगिता है, सारे संदर्भों में इसको हमने समझा और आपने बहुत ही बारीकी से हमारे दर्शकों को इनलाइटन किया। इस खास पेशकश के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा था, इससे मजा आ गया कि बच्चों को समझ में आना चाहिए। मेन उद्देश्य तो हमारा ये है कि चर्चा में एक तरफ से चीजें नहीं होनी चाहिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया जरा नवाजी का। और जितने भी दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे थे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जाने की कहीं भी जरूरत नहीं है, ये जो ज्ञान की मुसलसल यात्रा है वो जारी है। आप बने रहिए प्रधानमंत्री विद्या चैनल्स पर। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।